तो हेलो मेरे भाई, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा दिन हो गए, मतलब रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बाहर भी, और शायद ऐसे ही वीडियो आएंगे, तो प्लीज यार उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक है, एंड देखो अभी एक बात है, यहाँ पे जो मैटर करना हमारा आज का जो मैटर है ना भाई, वो थ्री फिंगर कस्टम एचओडी पे होने वाला है। बिकॉज देखो थ्री फिंगर कस्टम एचओडी ऐसा कस्टम एचओडी जिससे कि हम वन टैप फास्ट मार सकते हैं, मतलब यार फास्ट मूवमेंट भी कर सकते हैं, फास्ट वन टैप भी मार सकते हैं, सेटअप ग्लू फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। देखो अगर आप टू फिंगर पे खेलो ना, तो मैं बोलूंगा कि आपको यार प्लीज यार मतलब आप थ्री फिंगर पर सीट जाओ। बिकॉज देखो टू फिंगर बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे लो हो चुका है थ्री फिंगर के, मतलब यहाँ पे थ्री फिंगर जो है ना, फ्री फायर जो भी जितने भी बंदे खेलते हैं वहां पे, देखो फ्री फायर मतलब वर्ल्ड में जितने भी बंदे खेलते हैं, ठीक है, 80% बंदे जो होते हैं वो थ्री फिंगर प्लेयर होते हैं। ठीक है, 80% जो बंदे होते हैं थ्री फिंगर प्लेयर होते हैं, एंड जो बाकी मतलब 20% होते हैं उसमें मतलब फोर फिंगर आते हैं, फाइव फिंगर आते हैं, टू फिंगर आते हैं। ठीक है, मतलब टूटिए फूटिए मतलब फिंगर्स आते हैं, लेकिन यार जो मैटर करता है हमारा थ्री फिंगर कस्टम एचओडी मैटर करता है। और यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप मतलब किस बटन से, मतलब कौन से हैंड से, मतलब किस फिंगर से आप किस बटन को क्लिक करोगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ज्यादा इजी है कस्टम एचओडी है, एंड बहुत ज्यादा आसानी से मैं बता भी दिया हूँ। सो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना, एंड एक बात और, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक में बहुत ज्यादा अपने बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए अपने बढ़ते हैं हैंडकैम की तरफ, हैंडकैम में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने कस्टम मतलब अपने यहाँ पे हैंडकैम पे आ चुका हूँ, हैंडकैम ही बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड देखो यार कस्टम एचडी में दिखाऊंगा तो उसे कॉपी नहीं करना है, मतलब स्टार्टिंग में कॉपी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप से समझना है कि मैं किस फिंगर पे कौन से बटन रखा हूँ। ठीक है, मतलब थर्ड फिंगर पे कौन से बटन रखा हूँ, मतलब सब बटन बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मैटर करता है वन शॉट में। तो यार प्लीज आप वहाँ पे कॉपी नहीं करना है, एंड सबसे पहले अपने कस्टम एचडी पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल में वही बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सबको हैड किया है, तो इसको मैं अभी 100 पे कर लेता हूँ, और शायद आप मतलब उससे आपको मतलब अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये तो हमारा थ्री फिंगर कस्टम एचओडी है, मैंने थर्ड फिंगर पे देखो यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक ओपन स्विच बटन को रखा है, एंड इससे बहुत ज़्यादा हमें मतलब हेल्प मिल जाए। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सो अभी वेपन बॉक्स की बात करते हैं, तो वेपन बॉक्स का जो साइज हमारा 70 है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख लेना, एंड उसके बाद हमारा सीट बटन, सीट बटन जो साइड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 75 रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रैग फायर बटन साइज। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन एंड साइज आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे रखा है, इसका जो साइज है ना भाई वो मैं 30 पे रखूँगा, आप 30 पे नहीं रखना, बिकॉज 30 पे रखना बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट होगा, आप मतलब खेल भी नहीं पाओगे अच्छे से। सो आप इसे 30 पे मतलब नहीं रखना, आप 40 या 50 के बीच में रखना। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो टूटिया फूटिया बटन रहा है, रिवाइव हो गया, यूज हो गया, मेडी हो गया, ये मतलब नेड हो गया रखा है, जो आप इसे अपने अकॉर्डिंग रखना। बट अभी बात करते हैं हमारे थर्ड फिंगर पर जो है, वो है हमारा क्विक वेपन स्विच बटन, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट दिखाएं, मतलब वन टेप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वन टेप बहुत ज़्यादा इससे तगड़ा लगता है। ठीक है, आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना। एंड उसके बाद हमारा था लेफ्ट फायर बटन, जिससे कि मैं इससे ग्लू लगाता हूँ, इसी बटन से मैं ग्लू लगाता हूँ गाइस, जिससे मतलब ग्लू लगाता हूँ, इसे मैं एक्सचेंज करता हूँ। ठीक है, सो आप इसी फिंगर से ग्लू लगाना, बहुत तगड़ा वाला ग्लू लगेगा। एंड यहाँ पे जो इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखना, या फिर मेरा अकॉर्डिंग मतलब 80 पे रख लेना। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जंप बटन है, एक भाई ने पूछा था लेफ्ट साइड में जंप बटन कैसे यूज करते हैं किस फिंगर से, मैं बता दूँ यार कि मैं यहाँ पे थंब से यूज करता हूँ, बिकॉज थंब से बहुत ज़्यादा मजा आता है यार, मतलब एक बार अगर बोलो ना तो मैं हैंडगेम पे मतलब ला दूंगा, मतलब कौन से मतलब गेम प्ले करके लाऊंगा। ठीक है, हैंड गेम, सो इसे आप देख सकते हो मैं यहाँ यहाँ थंब से यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा जो है आप रनिंग बटन को देख सकते हो, रनिंग बटन मेरा 90 पे है, एंड इसके बाद मैंने ग्लू वॉल को यहाँ पे इनविजिबल किया है। सो आप इसका जो साइज आप देख सकते हो मैंने पूरा पूरा 100 कर लिया, 98 बट आप 100 कर लेना, इसमें कोई भी मतलब डिफिकल्ट नहीं होने में। एंड इसका जो आप पोजीशन है आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे जो कस्टम एचओडी आप इसे अभी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे मेडी बॉक्स है, यहाँ पे जो हमारा टीममेट्स का नाम है, जॉयस्टिक को मैंने छुपा के रखा है। ठीक है भाई, मैप के अंदर मैंने घुसेड़ दिया, उसे कहीं भी आप रख देना, उसका वही वर्क होता है जो इसका वर्क हो। ठीक है, और ये हमारा थ्री फिंगर कस्टम एचओडी है, बहुत ज़्यादा लेजेंडरी कस्टम एचओडी है, आप इसे देख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे फिंगर्स के मतलब थ्रू बता दिया कौन से फिंगर पे मतलब कौन से बटन रखना है। ठीक है, सो आप इसे कॉपी करो, एंड बहुत तगड़ा वाला कस्टम एचओडी यार, प्लीज प्लीज इसे आप कॉपी कर लेना, मतलब कॉपी नहीं मतलब इसे आप प्रैक्टिस करना। एंड बहुत से भाई लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ थ्री फिंगर पे, मतलब देखो यार प्रैक्टिस करना एक अलग बात है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस कर लेना ये अलग बात है। ठीक है, मतलब दोनों में बात अलग ही है, मतलब समझ रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ा वाला करना होगा। बिकॉज देखो अभी हम नया मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर अच्छे से समझ रहे होंगे, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आए हो ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने शुरू में बोला था लेकिन अभी तक जितने बंदे नहीं किए होंगे अभी कर देना। ठीक है, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।